ट्रिप प्लान कर लीजिए, अभी छुट्टियां भी आ रही हैं जनवरी की। जिसके लिए खीर बनाई थी उसको खिला रहे हैं आज। कैसी बनी है? बहुत ज्यादा टेस्टी। अच्छी है? बहुत रिच और बहुत परफेक्ट बैलेंस। मैंने चीनी काफी कम डाली थी। ठीक है, चलो। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। नमस्ते दोस्तों, ये खीर मैंने स्पेशली भैरवी के लिए बनाई। आप वीडियो से समझ गए होंगे क्योंकि भैरवी बेंगलोर में भास्कर के नए घर में उसका घर देखने आई थी और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। बेंगलोर की वीडियोस तो आप देख ही रहे होंगे जिसमें मैं यहाँ की बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अभी आगे करती भी रहूंगी। तो अगर आप चाहेंगे तो इनको वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप बेंगलोर के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। आपको बताने के बहाने मैं पहले वो चीज खुद जान लूंगी तो मेरी भी कुछ नॉलेज आपके भरोसे भरोसे बढ़ जाएगी। तो इस दिन मैं और भैरवी जा रहे थे एयरपोर्ट, तो वहां पहुंचकर जो मैंने आपके साथ चीजें शेयर की हैं वो बड़े काम की हैं। जो पहली बार अकेले ट्रेवल कर रहे हैं फ्लाइट से, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आप चाहे तो अपने घर में ऐसे लोग जो अकेले जाते हैं फ्लाइट से उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज मैं जा रही हूँ वापस दिल्ली। भैरवी और मैं एक साथ एयरपोर्ट पर आए थे, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक बेंगलोर का बारिश की वजह से हम लोग 2 घंटा पहले निकले थे, लेकिन हमें लगता है 3 घंटा पहले निकलना चाहिए था। तो चलिए अब मैं चलती हूँ आगे और आगे की कार्रवाई करते हैं। एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन या बस अड्डा जो भी हो, वहाँ वैसे तो हमेशा समय से पहले पहुँचना चाहिए। वहाँ पर एरिया बहुत बड़ा होता है तो आप आराम से चल के अपने उस ठिकाने तक पहुंच सको जहां से आपको हवाई जहाज में बैठना है। इसके लिए इसमें मैंने आपको जोर दिया है कि आप जल्दी जल्दी करें। तो सबसे पहले वहां जाकर हम गेट पर टिकट दिखाते हैं। किसी भी गेट पर हम जा सकते हैं जो एयरपोर्ट पे शुरू में बाहर बने होते हैं। वहां पर जो CIF के ऑफिसर्स होते हैं वो हमारी टिकट चेक करते हैं, हमारा ID देखते हैं और हमें अपनी सामान की ट्रॉली सहित अंदर जाने देते हैं। वैसे इस पर मैंने और भी एक वीडियो बहुत अच्छी तरह बनाई हुई है, उससे आज की थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके बाद हम अंदर जाते हैं, फिर जिस एयरलाइन से हम ट्रेवल कर रहे हैं हम उसके काउंटर पर पहुंचते हैं और अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कोई भी शर्माने की डरने की बात नहीं होती है। वहां स्टाफ खड़े होते हैं जगह जगह, तो उनसे पूछ सकते हैं। अगर अपनी एयरलाइन जिससे हम ट्रेवल कर रहे हैं उसका मिलता है बहुत अच्छा, नहीं मिलता किसी भी एयरलाइन के स्टाफ से पूछ लें। वो वहां खड़े ही इसलिए होते हैं कि हम लोगों को गाइड कर सकें और हेल्प कर सकें। सिक्योरिटी चेक कराती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सिक्योरिटी चेक में जो भी हम बैग या ट्रॉली वाले छोटे बैग भी आजकल ले जाते हैं हम लोग, उसको वो चेक करते हैं कि उसमें कोई हम ऐसी चीज तो नहीं ले जा रहे जो कि ले जानी मना है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आज मैं वो चीजें यहाँ नहीं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं ये बताती हूँ आपको कि जब सिक्योरिटी चेक पर हम हैं तो हमें चाहिए कि वहां जो ट्रे होती हैं उसमें एक ट्रे में एक ही चीज रखनी है, वरना वो आपको बोलेंगे और आप जब लाइन में आगे आ जाएंगे फिर वो ट्रे लेने के लिए आप उस जगह वापस लौटेंगे जहां पर ट्रे है और उस ट्रे में अपना सारा सामान बैग का, पैसे वगैरह नहीं, लेकिन हाँ अगर उसमें हैंड्स फ्री है, आपका ईयरफोन है, चार्जर है, फोन है, कैमरा है, वो सब ऐसे निकाल कर उस ट्रे में रख देना चाहिए और नजर भी रखनी चाहिए क्योंकि वहां एक दो मेरे जानने वालों की कुछ मिसहैपनिंग भी हो गई, सामान चोरी भी हुआ है। तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि वहां पर चोरी होती है क्योंकि बहुत सारा स्टाफ होता है, लेकिन फिर भी खुद अलर्ट रहना हमेशा अच्छा रहता है। उसके बाद वो सामान आगे चला जाता है और फिर हमारी फिजिकल चेकिंग होती है, तो मेल्स के लिए अलग बना होता है और फीमेल के लिए अलग बना होता है, तो उसको फॉलो करें, फिर उस एरिया को क्रॉस करके वहां जाकर अपना सामान सारा कलेक्ट करें, तसल्ली से उसको जहां जहां था वहां वहां रखें। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि उसमें सामान बहुत बार खो जाता है, गिर जाता है और मोबाइल वगैरह अगर गिर जाए, लैपटॉप्स गिर जाए तो आप सोचिए कितना नुकसान हो जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एयरपोर्ट्स पर जल्दी पहुंचें।
अब आप आगे देखिए कि मैंने वहां पर किस तरीके से क्या क्या किया है जिसने मुझे स्मार्ट ट्रेवलर बनाया है। आप चाहें तो आप भी ये चीजें फॉलो करके एक स्मार्ट ट्रेवलर बन सकते हैं और वो भी सोलो। जब सिक्योरिटी चेक से आ जाए तो जल्दी जल्दी करना चाहिए, बिल्कुल भी सामान लेने के लिए अपने को बिजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पीछे जैसे लिखा है उस तरीके से गाइडलाइन होती है और अपने गेट की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं अपने गेट के पास पहुँचूँ उसके बाद देखूँगी कुछ खाने का और आपसे कुछ और शेयर करने का। सबसे पहले हमें तुरंत अपने गेट पर पहुँचना चाहिए। गेट नंबर लिखे हुए थे लेकिन फिर भी उसको पढ़ने में मुझसे गलती हो गई और मैं थोड़ा सा भटक गई, जिससे कि मुझे ऊपर से फिर नीचे जाना पड़ा। तो मेरे पास टाइम था तो इसलिए मुझे कोई ऐसी घबराहट नहीं हुई और वो मैंने काम आसानी से कर लिया। यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ, गेट्स यहाँ बिल्कुल भी कंटिन्यूटी में नहीं है। जैसे मेरा 9 नंबर है उसके लिए मुझे नीचे जाना है, बाकी 2 और पता नहीं कितने ऊपर थे, तो मैं अब नीचे जा रही हूँ। जब हम गेट के बिल्कुल पास पहुँचने लगते हैं, वहाँ खाने पीने की ज़्यादा शॉप्स नहीं होती, एक आध शॉप होती है तो वहीं से हमें लेना पड़ता है, जो कि ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होते। अब मैं अपने गेट के पास पहुँचने वाली हूँ और आप पीछे देखो एक इस तरीके का फूड जॉइंट बना हुआ है और मेरी फ्लाइट में मुझे खाना नहीं मिलना है, इसलिए अब मैं पहले अपने गेट के पास तसल्ली से पहुँच जाऊँ, उसके बाद यहाँ आकर दोबारा से कुछ खाने के लिए देख सकती हूँ। मैं पहुंच गई गेट नंबर 9 जो कि अभी बिल्कुल खाली है, तो मैं ऐसे बैठूंगी जो कि मुझे सामने दिखाई भी देता रहे। अभी बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब काफ़ी टाइम है। एक बार मैं ज़रा यहाँ सेटल हो जाऊं, उसके बाद फिर उठकर जाती हूं और कुछ खाती हूं। ये बोर्डिंग कार्ड में ये फ्लाइट नंबर और बोर्डिंग टाइम, गेट नंबर, ये ज़रूर चेक करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वही डिटेल है जो मेरे बोर्डिंग कार्ड में है, तो ये डिटेल इससे मैच करके फिर यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। मैंने लिया है वड़ा पाव और चाय का कॉम्बो और उसके साथ मैं अपने लाए हुए ये 2-3 बिस्किट खाऊंगी और बस मेरा काम हो जाएगा। बर्गर मैंने नहीं लिया क्योंकि बर्गर के बाहर का जो है वो फ्राइड होता है, तो एटलीस्ट इसमें मुझे उतना ऑयल नहीं खाना पड़ेगा। भी ऐसा ऑप्शन चुन सकते हो। अच्छा है, बारिश हो रही है। मैं फ्लाइट में बस जा रही हूँ लेकिन देखो कितनी बारिश हो रही है। मैंने अपना खाना तो खा ही लिया था, अब मैं एक कॉफ़ी का सेशन लेके आई थी अपने साथ और मैंने एयर होस्टेस से गर्म पानी लिया और उसमें अपनी कॉफ़ी का पाउच डाला और इस तरीके से 250-300 रुपये बचा लिए और ट्रेवल किया मज़े से। अब बहुत ऊपर है अभी, लेकिन हाँ दिल्ली के ऊपर प्लेन आने वाला है और थोड़ी ही देर में हम लोग लैंड कर जाएंगे। तो आप वीडियो इंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। Do like, share, comment and subscribe my channel. देखते रहिए वीडियो। पहुंच गई मैं दिल्ली और मैंने गर्म कपड़े काफ़ी पहन लिए क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। ये देखो थोड़ा थोड़ा फॉग भी दिखाई दे रहा है, तो चलो बाहर निकलते हैं। मैं आपको वो पीछे वाला प्लेन दिखाना चाह रही हूँ, देखो एलायंस, वो देखो कितना उसमें आगे भी 2 चक्रियाँ लगी हैं एलायंस एयरलाइन का। तो मैं अपने बस के लिए वेट कर रही हूँ, बहुत भीड़ है। इतनी रात को यहाँ पर आराम से इस तरह से शूट कर सकते हैं, वैसे तो दिन में इतना टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर। तो इसमें बैठकर मैं आई हूँ, अब अपने घर जाऊँगी और आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी कि अगर सोलो ट्रिप करना हो तो क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नहीं कहा है, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी इस पे और बहुत सारी टिप्स ऐसी हैं जो कि आप अपने ट्रेवल में आजमा सकते हो और सोलो ट्रेवल लाइफ में जरूर करना चाहिए, उसका अपना ही मजा है। मैं वीडियो एडिट करते हुए देख रही हूँ कि मेरा चेहरा कितना खिला हुआ है क्योंकि मुझे किसी की वेट नहीं करनी, किसी को मेरी वेट नहीं करनी, मेरे अपने डिसीजंस हैं और अपना स्टाइल है ट्रेवल करने का। तो आप प्लीज
वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और मजा लीजिए। बैगेज कलेक्ट करते हैं और फिर चलते हैं अपने घर और आपके साथ ये वीडियो भी एडिट करके शेयर करनी है। तो बने रहिए वीडियो में और आगे देखिए कि मैं घर पहुंची तब तक क्या क्या रहा। उतरते हुए अनाउंसमेंट हो जाती है कि हमारा सामान कितने नंबर बेल्ट पर आ रहा है। तो जैसे 3 नंबर बेल्ट अनाउंस हुआ तो मैं वहाँ आ गई हूँ और अपना अब लगेज कलेक्ट करती हूँ। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ यहाँ से अपने लिए एक ट्रॉली जो मैंने अपने साथ फ्लाइट में रखा था वो मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब लेती हूँ दूसरा बैगेज। मेरा बैग थोड़ा बड़े साइज़ का तो मैं अपनी ट्रॉली को यहाँ सेट कर रही हूँ ताकि मैं बेल्ट से उठा के डायरेक्ट यहीं पर उसको रख दूँगी। लगेज बहुत धीरे धीरे आ रहा है, देखो बेल्ट बिल्कुल खाली और मैं कितनी आगे ही बैठी हुई हूँ। मैं बैठ गई हूँ ट्रॉली पर ही और वेट कर रही हूँ अपने लगेज का। जब ऐसे ट्रॉली पर आगे बैठे हों तो अपना बैग वैग पीछे ट्रॉली में ही ना छोड़ने की कोई सामान के साथ अपने सामान के साथ हमारा सामान भी ले जाए। बैग आ गया है। ये देखो ऐसे डायरेक्ट मैंने इस पर रख दिया तो जब अकेले हो तो वजन भी नहीं उठाना पड़ता है। इस तरीके से बैग को ट्रॉली पर रख लेना चाहिए। वाओ यहाँ की लाइट खराब है, इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये आप सब भी सोलो ट्रेवल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम बना सकते हैं और मेरी बताई हुई टिप्स को आजमा सकते हैं। अब मैं कल नया दिन शुरू होगा, नई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने नोएडा आकर क्या क्या काम किए और मैं यहाँ एक बहुत स्पेशल काम के लिए आई हूँ जो कि जब वो होगा तो आपको वीडियोस में खुद ही पता लग जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर बनाती हूँ आपके लिए और एक ऐसी मजेदार वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।